और उधर दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले की नारकोटिक्स टीम को जानकारी मिली थी कि इंदरपुरी जेजे कॉलोनी में ड्रग्स माफिया नशे के कारोबार को अंजाम दे रही है। और जानकारी के मुताबिक गुप्त जानकारी के आधार पर आउटर नॉर्थ जिले की नारकोटिक्स टीम ड्रग पेडलर के ठिकाने पर छापा मारने गई तो वहां नशा माफिया के लोगों ने इंस्पेक्टर ब्रिजपाल की टीम को घेर लिया। लोगों से घिरने के बाद आत्मरक्षा में पुलिस टीम ने गोली चलाई जिसमें दो युवकों के घायल होने की भी सूचना है। वहीं आरोपी पक्ष ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं जिनकी जांच वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि पुलिस टीम के घिरा होने का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। सर हम लोग तो घर में सोए हुए थे, एक आवाज सी हुई, तफरा मचरी हुई, भागे भागे दौड़ हुई, तो इसमें मैं यहाँ जो पब्लिक बैठी हुई थी तो अचानक गोलियाँ चलना स्टार्ट हो गई और पुलिस वाले जो है इतनी गैर कानूनी से गोली चला रहे थे कि किसी भी बाल बच्चे को, किसी भी बहन बेटी को लग सकती थी। अब हमारे भाई की दो लड़की है, उन्हें कौन संभालेगा? गोली चलाने से पहले सोचना चाहिए कि गरीब आदमी पे गोली चल रही है या किसी उग्रवादी पे गोली चला रहे हो।